दरख्त हुसैन के नाम सफाई नफ्स ईमान है, लेकिन हम अपने आज गली मोहल्ले देखते हैं हमें कहीं नहीं नज़र आता। एक दरख्त हुसैन के नाम, इस कैंपेन का मकसद ये है कि जो भी अज़ादार आ रहे हैं हम उनको ये अवेयरनेस क्रिएट करें कि अपने माहौल का ख्याल रखना भी हुसैनियत का पैगाम है। सो हमने ये लास्ट ईयर शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया, तो हमने दोबारा इसको किया है और हम ये कर रहे हैं बेसिकली कि जो भी लोग आ रहे हैं उनको दरख्त देते हुए उनसे ये पूछ रहे हैं कि आप ये कौन से शोदा को डेडिकेट करना चाहेंगे, तो वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का नाम लेते हैं, जिसकी वजह से एक और फैक्टर ये ऐड हो जाता है कि वो प्लांट तो लगा रहे हैं उसका ख्याल भी रख रहे हैं, लेकिन आपकी जो डेडिकेशन होती है बढ़ जाती है जब आप किसी ऐसे शख्सियत के नाम पे लगा रहे हो जिनसे आपको बहुत मोहब्बत है। तो इस तरह लोग जो है वो फिर उसका ख्याल भी रखते हैं और काफ़ी रिस्पेक्ट्स उसको ले जाते हैं। जैसे एक पौधे की ग्रोथ के लिए उसकी रूट्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, तो उसी तरह हम लोग अगर इमाम हुसैन की टीचिंग्स, रसूल खुदा की टीचिंग्स से अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करें, हम एक अच्छी कम्युनिटी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं और इससे हमारा एक माशरा अच्छा तश्कील देगा और एक स्ट्रॉन्ग का और पाकिस्तान का भी इसमें फ़ायदा होगा। हाउ टू क्रिएट अ हुसैनी माहौल, हम हुसैनी माहौल कैसे पैदा कर सकते हैं? आपने ये हदीस तो सुनी होगी, सफाई नफ्स ईमान है, लेकिन हम अपने आज गली मोहल्ले देखते हैं हमें कहीं नहीं नज़र आता, लेकिन हमें हम वॉलंटियर्स को, हम फॉलोवर्स को चाहिए कि अमली तौर पे हम निकलें और उनके फॉलोवर्स बन के दिखाएं। असल में टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दफ़ा भी आया, उन्होंने बताया हम आपसे पिछली दफ़ा ले गए थे और वो हमारे घर में अभी भी लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें सुन के ऑफकोर्स बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था तो हमें नहीं पता था कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा और लोग जो लेके जाते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेके जाते हैं और बहुत ख्याल रखते हैं। खुशी की बात होती है कि हम लोग पौधे देते हैं और फिर लोग उनको प्लांट करके लगा देते हैं और फिर बाद में हमें पिक्चर्स भी भेजते हैं कि हमने लगाया है और अब ये दरख्त बन गया या गमले में आ गया। सो काफ़ी अच्छा फील होता है क्योंकि यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेटिक चेंजेस वगैरह भी बहुत हैं और काफ़ी ख़राब क्लाइमेट है यहाँ का, तो अब प्लांट्स की तो सख्त ज़रूरत है, तो अच्छा लगता है जब कोई प्लांट लगाता है और अपना पार्ट उसमें देता है।